हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टर, जिन्हें हम लोग व्हाट्सएप ब्लास्टर्स का भी नाम दिया है, और आप इसे व्हाट्सएप सेंडर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। तो जनरली ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इंस्टॉल करके रखा है ऑलरेडी ये व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टर टूल। तो जनरली मैं इस पर डबल क्लिक करके ऑन करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ है कि आप ये सॉफ्टवेयर क्यों आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी बिजनेस है जिसमें आप प्रमोशन कर रहे हो, देखो पहले के समय में क्या होता था कि लोग SMS के ज़रिए अपनी बिजनेस की प्रमोशन करते थे, अपने कस्टमर्स को डेटा वगैरह सेंड करते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक लिमिटेशंस होता था, 160 कैरेक्टर का मैसेज जाता था, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग फोटोज़, बिल, इन सब चीज़ों को नहीं भेज सकते थे। बट अब भी जो है हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टर टूल आ चुका है मार्केट में, ठीक है। और ये सॉल्वर सॉल्यूशंस के ज़रिए डेवलप किया गया है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप रखो कि इस सॉफ्टवेयर की मैं आपको मेन खूबी बताता हूँ। सपोज मान के चलो, अगर हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन के थ्रू अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर, हमारे पास मान के चलो 200 कस्टमर्स हैं, 200 क्लाइंट हैं ऐसे जिनको मुझे व्हाट्सएप करना है। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ें आप भेजना चाह रहे हो, आपने कोई दुकान में ऑफ़र निकाला, ठीक है ना। अगर दुकान में कोई ऑफ़र निकाला तो एट अ टाइम अगर आपको 200 बंदों को भेजना है तो आप क्या करोगे, आप अपने फ़ोन पे उसको डालोगे और एक एक करके सबको भेजोगे। और पहला बात तो ये कि आप एक एक करके सेंड करोगे। आपको पता है कि व्हाट्सएप के ज़रिए 5 लोगों से ज़्यादा को आप एट ए टाइम जो है वो सेंड नहीं कर पाओगे, फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, पहला। ओके, दूसरी बात क्या है कि अगर आपको 200 बंदों को भेजना है, क्लाइंट को भेजना है, तो आपको सारे की लिस्ट सेव करनी पड़ेगी अपने फोन बुक में। ओके, चलो ये तीसरी बात, दूसरी बात क्लियर। तीसरी बात, जब आप भेजोगे तो क्या करना होगा कि पहले आप 5 को भेजो, फिर आप नेक्स्ट 5 को भेजो, फिर आप नेक्स्ट 5 को भेजो, मतलब ऐसे करके अगर 200 बंदों को आपको भेजना है वो डेटा आप जो बनाए हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम आपको देना पड़ता है इसके लिए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास कोई शॉपिंग दुकान है, ठीक है ना, कोई कंपनीज है, आप स्टडी कराते हो, आप स्कूल्स चलाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, आप किसी भी चीज़ों की प्रमोशंस करते हो, इवन अगर आप कोई लीडर मेंटेन कर रहे हो, लीडरशिप मेंटेन कर रहे हो, और आप काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच अपनी क्राउड मेंटेन करना चाह रहे हो, अपनी चीज़ों को आप पब्लिश करना चाह रहे हो, या आप छोटी मोटी भी बिजनेस क्यों ना चला रहे हो, आप एट अ टाइम 200 लोगों को, 300 लोगों को, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप भेजना चाह रहे हो, तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अब देखो ये सॉफ्टवेयर आपका क्या क्या बचाएगा। एक तो आपको नंबर सेव नहीं करना पड़ेगा, आप एक्सेल में टोटल नंबर कलेक्ट करो, ठीक है। आपको करना क्या, एक्सेल में टोटल नंबर कलेक्ट करना है। एक्सेल में टोटल नंबर कलेक्ट करने के बाद बस आप यहां पे इसको इंपोर्ट कर दो, ओके ना, टोटल नंबर को इंपोर्ट कर दो। और जो भी मैसेज लिखना है, देखो यहां पे दिख रहा है इनपुट योर मैसेज हियर, सपोज आपको जो भी चीजें लिखना है आप इस पे लिखो। अगर आप कुछ फोटोज भेजना चाहते हो अपने सारे कस्टमर्स को जिनकी लिस्ट यहां पे अवेलेबल है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे इंपोर्ट कैसे करना है, आप यहां पे क्लिक करो, ठीक है। आप एक एक करके भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है। सपोज मान के चलो मैं अपने नंबर अगर भेजना चाह रहा हूं तो 950। तो ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज़ कि आपको ना कंट्री कोड लगाना है, जैसे इंडिया हमारी कंट्री कोड है, तो +91 आपको लगाना है, +92। आप इन सब चीज़ों की एक एक्सेल पे लिस्ट बना लो, बस आसान ऑप्शन है, उसके बाद आप नंबर यहाँ पर डाल दो, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपने यहाँ जैसे नंबर डाला यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। नंबर आप एंटर प्रेस करोगे खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। फिर मान के चलो मैं दूसरा नंबर एक सपोज डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो काफ़ी नंबर्स को आप एक्सेल में बना के सिंपली आप पेस्ट भी करोगे तो आसानी से आ जाएगा, कॉपी करो और पेस्ट करो, ठीक है। ओके, मैं एक और नंबर डालता हूं, मतलब इन सब चीजों को आप एक्सेल के जरिए भी मेंटेन कर सकते हो, बस आपको कॉपी करना है
और यहाँ पे अगर आप एक ही नंबर को बार बार डाल रहे हो सकता है कि आपका दो तीन नंबर यहाँ पे आ जाए, तो ये तुरंत बता देगा कि डुप्लीकेट इसमें तीन कैंडिडेट्स का डुप्लीकेट नंबर है। तो आप देखो यहाँ पे ये डेटा इंपोर्ट हो गया, ओके ना। आप ऐसे करके और भी नंबर आप डाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जितना नंबर आपको डालना है ऐड करते चले जाओ, बहुत ही ज़्यादा आसान है इन सब चीज़ों को काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैं कुछ मैसेज सेंड करता हूँ, अब यहाँ पे मान के चलो सपोज कोई फोटो मुझे ऐड करना है, या मैं ऐड फाइल्स और फोटो का ऑप्शन है, क्लिक करो इस पर और जो भी फोटो चाहिए, मैं सपोज देखता हूँ कि कोई फोटोज अवेलेबल है कि नहीं मेरे पास। ओके, जैसे मेरे पास ये फोटो है व्हाट्सएप सेंडर वाला, ओके मैं यहाँ से चूज करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो फोटो ले लिया गया। तो आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखना चाह रहे हो बस कुछ नहीं करना है, आप क्लिक करो और यहाँ पे सारी मैसेज को आप अपने हिसाब से लिख डालो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ें चाहिए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टर टूल, यहाँ पे आपको लिंक लगाना है। अब देखो यहाँ पे लिंक लगाना है, आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो लिंक डाउनलोड, ओके। सो मैं लिंक लगा देता हूँ, लिंक में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, मैं लिंक ऐसा डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ठीक है। यहाँ से व्हाट्सएप सेंडर सॉफ्टवेयर दिख रहा है, ओके, यहाँ से व्हाट्सएप ब्रॉड क्लिक दिस लिंक, मैं यहाँ से ले लेता हूँ लिंक, ओके। तो यहाँ पे लिंक आ रहा है, ठीक है, मैं ये वाला जो लिंक है, सॉरी यहाँ पे जो लिंक है ये मैं कॉपी करके और अपने उस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टर जहाँ पे मुझे मैसेज करना है मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिंक भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आप जैसे लिंक मैंने डाला, ठीक है, अब मुझे सेंड करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप एक बार क्लिक करो सेंड, ठीक है ना, सेंड न्यू फ्रेश सेशन, ओके यस। अभी देखो ये क्या करेगा, ये ना ऑटोमैटिक वेब डॉट व्हाट्सएप ओपन करेगा, बस आपको जिस नंबर से अब इन सारे लोगों को मैसेज भेजना है आप अपना व्हाट्सएप ओपन करो, ठीक है, अपने फोन में। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करो, ठीक है ना, बोल रहे ओपन योर व्हाट्सएप ऑन योर फोन, और वहां पे देखो थ्री डॉट वाला शाइन दिख रहा होगा, तो साइड में आप कॉर्नर में देखोगे थ्री डॉट वाला शाइन, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे लिखा रहता है व्हाट्सएप वेब, आप उस पर क्लिक करो और जैसे क्लिक करोगे स्कैन का ऑप्शन होगा, आप अपने कंप्यूटर्स को स्कैन कर लो, ठीक है। जैसे मैंने स्कैन कर लिया, अब देखिए ये ऑटोमेटिक मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा, देखो टाइप हुआ ऑटोमेटिक मैसेज चला गया क्योंकि मैंने अपना एक नंबर डाला था। अब देखो दूसरे बंदे को ये जा रहा है ऑटोमेटिक, मैं कुछ नहीं कर रहा, यहां पे खुद टाइप किया इन्होंने और अब पहले ये मैसेज भेजा और मेरा इमेजेस था वो इमेजेस भी भेज दिया ऑटोमेटिक, देखो खुद ब खुद जा रहा है, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं अपने सॉफ्टवेयर को, तो यहां पे ये दिखा रहा है तीनों मैसेज चला गया है, ठीक है ना, ओके। तो ये क्या किया, प्रॉपर तरीके से जो भी नंबर्स वगैरह मैंने इसमें डाला था वो सारे नंबर को सेंड कर दिया, ठीक है। आप इन सब डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो जो नंबर्स वगैरह अवेलेबल है। तो ऐसे आप काफ़ी लोगों को एक टाइम में मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है ना, इस टूल्स की मदद से। तो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर आप अपने बिजनेस को ऐसे प्रमोट करना चाह रहे हो यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टर टूल यूज़ करो, ये बहुत ही आसान ऑप्शन है, कोई भी बिजनेसमैन आसानी से इसे यूज़ कर सकता है और ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही चीप प्राइसेस में भी मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, मैं आपको इसकी रेट वगैरह भी बता दूंगा, बाय द वे बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है। और आप डेमो भी डाउनलोड करके आप काम कर सकते हो इन सब चीज़ों पे, आप चेक करो 7 days की डेमो है, आप धीरे 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 इन पर वर्क करो, ठीक है। इसकी स्पीड जो है थोड़ी बहुत आपके सिस्टम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई दिक्कत जनरेट हुआ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करो, थैंक यू।